उज्जैन में नाबालिग से दुष्कर्म मामले पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा, 1 करोड़ मुआवजे की मांग। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उज्जैन में मासूम से दरिंदगी के मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला किया है और पीड़िता के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग की है। दरअसल बड़नगर रोड पर 12 साल की बच्ची पुलिस को घायल अवस्था में मिली थी। उसके कपड़े खून से सने थे और पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद उसे इंदौर रेफर किया गया और डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। बच्ची पुलिस को अब तक सिर्फ ये बता पाई है कि वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास की रहने वाली है और उसकी माँ के साथ भी कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसकी माँ कहाँ है और वो उज्जैन कैसे पहुंची, इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब इस मामले पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए बच्चियों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री से किए सवाल। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश बेटियों के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है। इस सरकार के लिए बेटियों की सुरक्षा केवल विज्ञापन और भाषण का विषय है। उन्होंने लिखा है, उज्जैन में एक छोटी बच्ची के साथ अत्यंत क्रूरतापूर्ण दुराचार का मामला देखकर रूह कांप जाती है। 12 साल की बेटी के साथ जिस तरह का दुष्कृत्य हुआ और जिस तरह से वह अर्धनग्न अवस्था में शहर के कई इलाकों में भागती रही और फिर बेहोश होकर सड़क पर गिर गई, उससे मानवता शर्मसार हो जाती है। ऐसी जघन्य घटना प्रशासन और समाज के माथे पर कलंक है। मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आप सिर्फ चुनाव ही लड़ते रहेंगे और झूठी घोषणाएं ही करते रहेंगे? क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी बेटियों की तस्वीरों से पूरे मध्य प्रदेश के होर्डिंग भर देंगे, लेकिन मासूम बेटियों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देंगे? जिस बेटी के साथ यह दरिंदगी हुई, क्या वह लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना नहीं है? मुख्यमंत्री जी, उज्जैन में पहले भी 2 छोटी बच्चियों के साथ क्रूरतापूर्ण दुष्कृत्य हुआ था। प्रदेश में ऐसी क्रूर घटनाओं की पुनरावृत्ति बताती है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के होते हुए भी मुख्यमंत्री विहीन हो चुका है। अपराधी निरंकुश है और जनता परेशान है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और पीड़िता को समुचित उपचार के साथ ही 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर प्रदेश को शर्मसार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाकाल नगरी उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में ही बच्ची से दरिंदगी का महापाप। निकम्मी भाजपा सरकार में थाने के नजदीक ही 12 साल की बच्ची निर्भया जैसी हैवानियत का शिकार। दरिंदगी झेलने के बाद भी खून से लथपथ बच्ची 2.5 घंटे तक अर्धनग्न हालत में सड़कों पर भटकती रही, मगर शिवराज सरकार की पुलिस और पूरा सरकारी अमला सोता रहा। बच्ची ने मां के साथ भी गलत होने की बात बताई है, मगर पुलिस को अब तक इसका कुछ अता पता नहीं। दिल दहला देने वाली ये घटना एक बार फिर मध्य प्रदेश और पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। मगर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश को देश में सबसे असुरक्षित बनाने वाले सीएम शिवराज और भाजपा सरकार के पास बेटियों के लिए केवल झूठे वादों और फर्जी दावों के अलावा कुछ नहीं है। शर्म कीजिए शिवराज जी। फिलहाल इस घटना को लेकर पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी खंगाले हैं और जांच जारी है, लेकिन घटना इतनी जघन्य है जिसने सभी को झकझोर दिया और इसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए एक बार फिर महिला अत्याचार का मुद्दा उठाया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।